है दमोह की, जहां एक महिला ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का गला रेत दिया। दोनों का पिछले 4 साल से अफेयर है। हत्या के बाद महिला रोते हुए पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गई। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपी महिला के पति का जिगरी दोस्त भी था। मामला पथरिया के मिर्जापुर गांव का है, जहां 28 जून को की गई इस हत्या का खुलासा 3 जुलाई को हुआ। पुलिस ने मामले में बताया कि मिर्जापुर गांव की रहने वाली 36 वर्षीय सावित्री थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस से कहा कि उसका 37 वर्षीय पति बब्बू पटेल रात से घर नहीं आया। पुलिस ने जांच शुरू की और इस दौरान दोपहर में खेत पर बल्लू का शव मिल गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने पत्नी से भी पूछताछ की, जहां वो पुलिस को गुमराह करने के लिए बार बार बयान बदलती रही, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और इस आधार पर उसके कॉल डिटेल्स निकलवाए गए, जहां पता चला कि सावित्री किसी हल्ले रैकवार से लगातार बात करती है। घटने वाले दिन भी उसकी बात हुई, जहां पुलिस ने दोनों से अलग अलग सख्ती से बयान लिए तो वारदात कबूल ली गई। सावित्री ने पुलिस को बताया कि उसके 3 बच्चे हैं। बल्लू पेशे से किसान था और शराब का आदी भी था। नशे में धुत होकर वो आए दिन उससे और बच्चों के साथ मारपीट करता था, जिससे वो परेशान हो चुकी थी। हल्ले और बल्लू की जिगरी दोस्ती थी, जिसके कारण उसका घर आना जाना था और इसी दौरान उसका अफेयर हल्ले के साथ हो गया। वही महिला ने बताया कि 4 साल से उनके बीच संबंध थे। सावित्री और हल्ले साथ रहकर घर बसाना चाहते थे और इस बीच बल्लू रोड़ा बन रहा था, जबकि बल्लू को इसकी भनक तक नहीं थी, जिसके बाद दोनों ने बल्लू को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। 28 जून को बल्लू का गाँव के किसी व्यक्ति से विवाद हो गया था। वो रिश्तेदार की शादी में गया था। पत्नी ने प्रेमी को यह जानकारी दी, जिसके बाद हल्ले ने देर रात बल्लू को फोन कर खेत बुलाया। यहां दोनों ने शराब पी और इसके बाद बल्लू सो गया, जहां हल्ले ने धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया। मामले में SDOP RP रावत ने बताया कि सावित्री और हल्ले को आरोपी बनाया गया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। रिपोर्ट करता महिला है, उसका पति जो मृतक है काफी शराब पीता था, जिससे उसको परेशानी थी और उस दौरान उसके संपर्क गांव के एक व्यक्ति से हो गए थे, जिससे मिलकर के उसने इस घटना को अंजाम दिया।